नमस्ते दोस्तों, अभी मैं जाम में खड़ा हूँ यहाँ पे आपका माटीगढ़ा ब्रिज में। बताओ, ये वही ब्रिज है जो अच्छा वाला ब्रिज था पहले, टूटने के बाद इसको संकरा बना दिया गया, मतलब एक गाड़ी एक समय पे जा सकता है, दोनों तरफ की गाड़ियाँ नहीं चल सकती। इस ब्रिज का फीता काटने के लिए, रिबन काटने के लिए राजनीतिक दलों पे आपस में मारपीट किया इन्होंने। मारपीट मतलब धक्का मुक्की किया, तू मैं हुआ, पुलिस तक भी पहुंचना पड़ा, यहाँ पे डीएम तक भी आना पड़ा उनको। हम देखो, जो इनके जो रास्ते के मेन यूज़र है, लाइक मैं टैक्सी चालक हूँ, और भी मेरे जो दोस्त बंधु वे गाड़ी चलाते हैं या फिर गाड़ी से आवाजाही करते हैं, कितना तकलीफ़ हो रहा है बताओ इनको। मतलब अच्छा वाला रोड को टूट फूट के गया, उसको रिपेयर का नाम तो बस छोटा संकरा कर दिया गया। वैसे एक बात और बता रहा हूँ, जो लोग भी बोलेंगे कि रोड बनने वाला है, पुल बनने वाला है, तो मैं यहाँ के माटीगढ़ा का ही जन्म है मेरा, तो ये कहानी मैं 2002 से सुन रहा हूँ कि रास्ता बनने वाला है, तो ये बकचोदी कोई मत करना इस फेसबुक में। बनने वाला है, सेंक्शन हो चुका है, बस यही बनने वाला है, इस पार पूजा के बाद ही हाथ लगा देने वाला, ये सब बकवास मत करना कोई भी। ये सुनते सुनते मेरे तो बाल झड़ गए। आप लोग को भी पता चलेगा तो आप भी हंसोगे कि ये रास्ता बनने वाला, ये चीज़ सुनते सुनते हम लोग पक चुका है। अभी यहाँ पे बैठा बैठा मेरे को अभी आधा घंटा करीबन हो गया, 20-25 मिनट हो गया, मतलब समय का हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो आदमी नहीं है, चलो हम तो टैक्सी चालक है, हमारा तो कोई नहीं, लेकिन इस जाम में एम्बुलेंस भी फंस सकता है, बड़े बड़े VIP भी फंस सकते हैं, वो तो उड़ के नहीं जा सकते ना यहाँ से, तो हमारे लिए नहीं, कम से कम अपने लिए ही बना लो भाई ये ब्रिज को। चलो जी, तब तक के लिए धन्यवाद।